अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटा तू नव्या के पास बैठ, मैं सूप बना के लाती हूँ। हाँ बुआ मैं ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा तुम यहीं रहो, मैं बना के लाती हूँ। दो नव्या तवा खा लो। क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो दवा खा लो, तुम्हें आराम आएगा। नहीं, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि किसने किया है, क्यों किया, मैं कुछ नहीं कहूंगी भैया। नव्या मैं समझता हूँ तुम पर इस वक्त क्या गुजर रही है। कोई नहीं समझ सकता भैया, मैंने मेरा बच्चा खोया और मतलब मैं जान नहीं चाहती कि किसने किया, मुझे सांस भी नहीं लेना। मेरी बात सुनो, देखना रिपोर्ट आती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि सच सामने आएगा। नव्या शुभ सर एकदम ठीक कह रहे हैं, जैसे रिपोर्ट्स आ जाएंगे सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। माँ बन रहा है सब आगे की बात होती है, मैं तो ये बनने से पहले मेरा बच्चा मैं देख नहीं पाई, मैं जान नहीं पाई भैया, समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसे अपना दिल छोटा मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हिम्मत रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नव्या तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने बहुत कोशिश की पर हम नव्या के बच्चे को नहीं बचा पाए। इन्होंने जरूर कुछ जहरीला खाया जिसके कारण इनका बच्चा गिर गया। प्रोटीन शेक पीने से ऐसा ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, जरूर उसमें कुछ और रहा होगा जो इन्हें नुकसान कर दिया। शगुन रो क्यों रही हो? शगुन क्या सोच रहे हो? शुभ सर आपने नव्या की हालत देखी, वो दर्द से कितना तड़प रही थी, कितना रो रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाई। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? तुम थी ना उसके पास? नहीं शब से वो बच्चा मेरे भाई का था, मेरी युग का था वो बच्चा, मैं उसकी बुआ बनने वाली थी और मैंने उसको देखा तक नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि युग को इस सब के बारे में खबर भी है, ये सब क्या हो गया उसे पता भी है। शुभम देखो मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, तुम्हें सब जानते हुए भी कठोर बनना पड़ रहा है, लेकिन मेरा यकीन करो बहुत जल्दी ये सब ठीक होने वाला है। ये ले बेटा तेरी फेवरेट सूप, अच्छा है ना, ले चलो चलो मेरा बच्चा, लो मुंह खोलो। मुझे कुछ भी कॉफी पीने का मन नहीं हो रहा। अरे बेटा क्या हुआ? मुझे अफसोस हो रहा, मैंने भैया के बारे में क्या कुछ नहीं सोचा, लेकिन आज जब मैं तकलीफ में हूँ सबसे आगे मेरे साथ खड़े हैं, सबसे पहले मेरे लिए खड़े हैं माँ। वो मेरा ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ, जैसे लोग अपने बच्चों का रखते हैं। मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती थी माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बेटा मैं हमेशा से कहती थी कि शुभ तुझे बहुत प्यार करता है, बहुत परवाह करता है तेरी, और जब भी तेरे सामने मुश्किलें आई हैं वो चट्टान बन के तेरे साथ खड़ा रहा है। मेरे सामने ही बड़ा हुआ है शुभ, लेकिन आज तक ना कोई बुरा काम किया है ना किसी का दिल दुखाया है। मैं तो कहती हूँ कि जिंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए, क्योंकि बुराई का अंत ही होता है बेटा। अब रोना बंद करो बेटा। आप शायद सही कह रही है माँ, शायद मैंने किसी का बहुत बुरा किया होगा कि मेरे साथ ये हुआ। नहीं मेरा बच्चा नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा भैया, मैं हूँ ना। जब मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बनने लगे तो दुश्मनों की क्या जरूरत,
सोच ब्रजेश सोच, वरना ये माँ बेटी तेरे किए पे पानी फेर देगी। कनिका, ऐसे वक्त में तो नव्या के साथ इस तरह कैसे बात कर सकती हो? क्या बोल दिया मैंने? ये समय रोने धोने का नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का वक्त है। और वैसे भी अगर ये बच्चा इस दुनिया में आता तो मुश्किल का सबब बन जाता। क्या? मेरे बोलने का मतलब यह है, हमारे पास बच्चा ही क्या एक होने को? पहले मैंने अपनी बच्ची खो दी और अब मेरी बच्ची ने अपना बच्चा खो दिया। नव्या, मुझे तो लगता है ये दोनों तुम्हारे साथ ढोंग कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए, तुम्हारा बच्चा गिराने के लिए इन्होंने तुम्हें जहर दे दिया। ये क्या कह रहे हैं? तो फिर हमें नव्या के साथ ऐसा कौन कर सकता है? आज तक ये परिवार हमसे बस छीनता आया है, लेकिन अब हम एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और जो हमारा हक है वो पाकर रहेंगे। हाँ माँ, हम इतनी दूर आकर ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें हमारे मकसद को पूरा करना ही होगा। वेरी गुड बेटा। कुछ ठीक नहीं होगा शुभ सर, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आप नहीं जानते कल भरे बाजार में उन लोगों ने मेरी काकी और काकू की इतनी बेइज्जती की और मैं बेबस और लाचार लड़की की तरह चुपचाप खड़ी होकर उनकी बेइज्जती देखती रही। कुछ नहीं कर पाई मैं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं ये सब नहीं सह सकती, मुझसे नहीं होगा ये सब। सी बातें कर रही हो तुम? जीत कितना करीब, बाकी तुम कमजोर नहीं पड़ सकती हो। तुम अच्छे से जानती हो कि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते शगुन, और तुम अच्छे से जानती हो तुम्हें क्या करना है। नहीं शुभ सर, मुझसे ये सब नहीं होगा। शगुन, मैंने तुमसे कहा ना, अब तुम हार नहीं मान सकती। और मत भूलो कि हम लोग जो ये सहन कर रहे हैं ना, जो हमारा परिवार सहन कर रहा है, उसकी वजह फूफा जी हैं। नहीं शुभ सर। शगुन, तुम्हारे बिना ये लड़ाई नहीं जीत पाऊंगा। ये तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है। और देखना, बहुत जल्दी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर, आप फिक्र मत कीजिए, क्या दिखने में भले ही कमजोर है लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग है। अब देखिए, हम उसे वक्त देंगे ना तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली है, आप बस एक बार अपनी पैकिंग चेक कर लीजिए, कुछ रहना चाहिए। अरे जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। बुआ जी, आपके पास कोई बड़ा सा सूटकेस है? वैष्णी, एक महीने के ट्रिप के लिए जाना है तो सामान बहुत है, कुछ भी रह ना जाए। शगुन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हो मतलब, हम हनीमून पे जा रहे हैं ना। घर में क्या हालात है, ऐसे हालात में कहीं जा सकता हूँ मैं? पर आपने तो कहा था पैकिंग करने के लिए, इसलिए मैंने सारी पैकिंग की है। अब अचानक से क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा था, लेकिन नव्या की हालत देखी है, नव्या को ऐसी हालत में छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। तो नव्या का ख्याल रखने के लिए पूरा परिवार है ना, फिर आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? शकुन, मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। मुझे कहने के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना मेरे साथ वो बहुत बुरा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। अरे शगुन, ये तुम क्या बोल रही हो शगुन? सोच समझ के बोलो शगुन। नव्या की हालत देखिए, अभी अभी उसके साथ हादसा हुआ है, बच्चा खोया है उसने अपना, और तुम? बुआ जी, अफसोस मुझे भी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीना छोड़ दें। और वैसे भी जो भी कुछ हुआ उसमें हमारी गलती नहीं है। मुझे पता है हमारी कोई गलती नहीं है, यहाँ किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन नव्या के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। शुभ अगर यहाँ रहा तो उसे तसल्ली होगी। कनिका, कनिका, बहुरिया की याददाश्त चली गई है ना, तो उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रही है। पर तुम तो समझो बेटा। अम्मा जी, मैं वही सोच रही हूँ कि इसकी याददाश्त के साथ साथ इसके मन की करुणा, प्यार, ममता सब कुछ खत्म हो गया है, इसीलिए इस तरह से बातें कर रही है। ये औरत की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये अपने महा पागलपन के चक्कर में
मेरे षड्यंत्र को तहस नहस कर देगी। तनिका, तुम फिर चिल्ला क्यों रही हो? आप देख नहीं रहे किस तरह से बातें कर रही है? क्या गलत कहा है इसने? अभी अभी इनकी नई शादी हो गई है, जाने दो इन्हें, हम संभाल लेंगे ना। फूफा जी, मेरा हर हाल में यहाँ होना जरूरी है और मैंने फैसला कर लिया है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। और अगर शगुन को कहीं जाने का शौक है तो कुछ दिन बाद चले जाएंगे। शुभ, कैसी बात है? बस बस करो तुम सब लोग। अरे कब से जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हो, बस बोले जा रहे हो। लल्ला, हर एक पत्नी का कुछ अरमान होता है, तो उसे समझो। दादी, मैं इसे समझा लूंगा। क्यों समझाना है बेटा, क्यों? ये मत भूलो कि तुम दोनों की शादी कितनी मुश्किल से हुई है। बेटा, माना हमने कि नव्या के साथ बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना बेटा। कर सकते हैं तो सिर्फ एक चीज, आगे बढ़ना, वही तुम्हें करना है बेटा। ठीक है दादी, आप कहती हैं तो ले जाता हूं। रूफा जी, पेपर ले आइए, मैं साइन कर देता हूं। श्योर, मैं लेके आता हूं। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।